नमस्कार, मैं महावीर सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लोहिया कॉलेज चूरू, राजस्थान। सभी बी कॉम पार्ट थर्ड की स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम एक नया अध्याय इनपुट टैक्स क्रेडिट आदान कर जमा शुरू करने जा रहे हैं। यह व्याख्यान जीएसटी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है। आदान कर जमा, जिसको हम इनपुट कर जमा भी बोल देते हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट भी बोलते हैं, तो सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए कि ये चीज़ क्या होती क्या है। आदान कर जमा कहते किसे हैं? अगर इसकी सिंपल से अर्थ का रूप में अपन देखें तो इसका मतलब ये होता है कि एक जो पंजीकृत व्यवसायी होता है, उसके द्वारा अपने व्यवसाय के संचालन हेतु उपयोग की गई माल और सेवाओं पर चुकाए गए कर, यानी किसी भी पंजीकृत व्यवसायी होना चाहिए और उसके द्वारा उस अपने व्यवसाय के संचालन हेतु जो उपयोग की जाती है कोई भी माल या सेवा, और उस पर जो कर चुकाया जाता है वो कर IGST, CGST, SGST, UTGST कोई सा भी कर हो सकता है, उसकी जमा प्राप्त करने से है, जिसमें विपरीत प्रभार यानी रिवर्स चार्ज भी शामिल होता है। वास्तव में इनपुट कर जमा, इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो जीएसटी की रीढ़ होती है, और अपन जानते हैं कि जब रीढ़ को निकाल दिया जाता है तो पीछे कुछ नहीं बचता। तो यही बात जीएसटी के बारे में लागू होती है कि यदि इनपुट टैक्स क्रेडिट जीएसटी में नहीं होती तो जीएसटी का कोई मतलब नहीं रह जाता। इसलिए कहा जाता है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट इज़ द बैकबोन ऑफ जीएसटी रेजिम, एक बात अपन यहाँ देखते हैं कि जीएसटी की आवश्यकता क्यों महसूस हुई थी। बहुत प्रकार के कर थे, ये बात मैं पहले आपसे डिस्कस कर चुका हूँ इसलिए दोबारा दोहराऊंगा नहीं। अनेक प्रकार के करों के कारण से बहुत सी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासनिक समस्याएं आती थी। इससे जो है वो जो व्यावसायिक जगत में भी बहुत सी प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती थी। लेकिन इसके अलावा एक बात और भी इसमें प्रॉब्लम थी, और वो ये थी कि एक प्रकार के किसी टैक्स की जो जमा का प्रयोग दूसरी जगह पर नहीं किया जा सकता था। जैसे मान लीजिए, सपोज कीजिए पहले कि किसी व्यापारी ने एक्साइज ड्यूटी जमा करवाई, ठीक है, पेमेंट किया, और उसने कोई उत्पादन करने के लिए और किन्हीं सेवाओं का उपयोग किया, तो जो सेवाएं उसने ली हैं काम में उनके ऊपर भी उसने टैक्स चुकाया, तो जो माल को फैक्ट्री से बाहर निकाला या बेचा उस पर जो एक्साइज ड्यूटी चुकाई, उस एक्साइज ड्यूटी में से ली गई सेवाओं की यानी सर्विसेज के ऊपर जो सर्विस टैक्स चुकाया जाता था उसको कंपेंसेट नहीं किया जा सकता था, यानी उसकी क्रेडिट नहीं होती थी। तो ऐसी बहुत सी समस्याएं उत्पन्न हो जाती थी, CST वेट के बारे में आपस में हो जाती थी, या एक्साइज ड्यूटी के बारे में, सर्विस टैक्स के बारे में हो जाती थी। तो इसलिए ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सभी प्रकार के करों को एक साथ मिला दिया गया, और फिर ये कहा गया कि भाई एक कर की पूर्ति जो है वो दूसरे कर से कर ली जाती है। यदि एक कहीं ज़्यादा कर उसने पेमेंट हो चुका है तो दूसरी जगह अगर कम जो है वो पेमेंट कोई भी टैक्स बन रहा है तो उसमें से उसको माइनस करके और नेट जो टैक्स है उसको चुकाया जा सकता है। तो ये जो बातें हैं वो इस GST के अंतर्गत किया गया,
और इस को अपने एक ऐसे एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि ये वास्तव में ये इनपुट टैक्स क्रेडिट होती क्या है, किस तरीके से इसमें होती है। जैसे एक एग्जाम्पल के रूप में आपको बताया गया है कि मान लीजिए कोई एक पंजीकृत व्यवसायी है, वो अपना माल 10,000 रुपये में खरीदता है और उसके ऊपर 12% की GST चुकाता है, तो उसने मिला के 1,200 रुपये की जो है वो GST वो चुका चुका उसके ऊपर उसने GST 1,200 रुपये चुकाई। उसी माल को उसने 10,000 रुपये के माल को उसने 12,000 रुपये में, यानी 2,000 रुपये का प्रॉफिट कमाया, और उस प्रॉफिट से उसने 12,000 रुपये में उसको बेच दिया, और बेच दिया तो जिसको बेचा उससे उसने 12% से टैक्स वसूल किया। तो यहां पर देखिए क्या है कि एक्चुअल में जो टैक्स उसने जो वसूल किया है 12% की दर से, हम ये मान सकते हैं मूल रूप से, तो इसको हम दो तरीके की टैक्स बने। एक तो जब उसने माल को खरीदा था तब उसने 10,000 रुपये में खरीदा और 12% का टैक्स चुकाया, तो ये इसको तो हम कहते हैं इनवर्ड सप्लाई के ऊपर जो टैक्स है उसको अपन कहते हैं कि उसने इनवर्ड सप्लाई पर चुकाया 10,000 रुपये के ऊपर, है ना, इनवर्ड सप्लाई के ऊपर। दूसरा जो है वो टैक्स होता है आउटवर्ड सप्लाई के ऊपर, तो जैसे जो बेचा उसके ऊपर भी। तो इसमें फर्क क्या हुआ कि जब पंजीकृत व्यवसायी किसी से माल खरीदेगा तो उसका तो जो टैक्स है वो आपूर्तिकर्ता, जिसको सप्लायर कहते हैं, उसको पेमेंट करेगा। फिर जब वो माल खुद सप्लाई करेगा, जिसको हम आउटवर्ड सप्लाई कहते हैं, उससे वो कस्टमर से टैक्स कलेक्ट करके अपने पास ले देता है। अब यहाँ पर क्या है कि बात सरकार के खाते में जमा कराने की है। तो जब कोई व्यक्ति माल बेच रहा है तो उसके ऊपर उसने जो टैक्स ग्राहक से वसूल किया है, उस टैक्स की संपूर्ण राशि व्यापार सरकार के खाते खाते में जमा कराने की जरूरत नहीं है। जैसे मान लीजिए 12% के हिसाब से वो 10,000 में माल खरीदा और उस पर 20% लाभ कमाया तो 12,000 रुपये हुआ। इस 12,000 रुपये के सेल के अंदर जो है वो टैक्स शामिल नहीं है। तो 12,000 रुपये में बेचा, 20% के मार्जिन कमा करके उसने बेचा, तो उस 12,000 रुपये के ऊपर 12% की दर से 1,440 रुपये का टैक्स वसूल करेगा ग्राहक से। लेकिन इस 1,440 में से चूंकि 1,200 रुपये वो सप्लायर को पहले ही पेमेंट कर चुका है, तो नेट रूप से गवर्नमेंट के खजाने में वो 240 रुपये का टैक्स ही जमा कराएगा। यानी जो आउटवर्ड सप्लाई पर टैक्स बचा बना, उसमें से इनवर्ड सप्लाई के ऊपर जो टैक्स वो चुका दिया है उसने, उसकी जमा मिल जाएगी। तो 240 रुपये सरकार के खजाने में जमा कराए जा देंगे, और ये जो जो 1,200 रुपये की उसको टैक्स क्रेडिट मिल जाएगी। तो इसको हम इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि भई आउटवर्ड सप्लाई जो है, यानी जो बाहर की गई आपूर्ति है, वो उसके ऊपर जो बनने वाले कर में से इनवर्ड सप्लाई के ऊपर भुगतान किए गए कर को घटा देना ही इनपुट टैक्स क्रेडिट कहलाता है, इसको भी इंजामा प्राप्त करना कहते हैं। तो ये तो एक बात साधारण रूप से एक समझने के लिए हुई कि किस तरीके से जो है वो इसको कहते क्या हैं, या ये इसका आशय क्या है इनपुट कर जमा का। अब बात अपनी नेक्स्ट आती है कि भाई इनपुट कर जमा प्राप्त करने की योग्यता क्या होती है, जिसको हम एलिजिबिलिटी ऑफ अवेलिंग ITC कहते हैं। ये उसकी योग्यता क्या होती है और शर्तें क्या होती हैं, यानी कंडीशंस क्या होती हैं। यानी इनपुट कर जमा प्राप्त कौन कर सकता है, किस कंडीशंस को पूरा करने पर ये इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलती है। ऐसे नहीं है कि हर कोई इसको खरीद लेगा, तो ये कंडीशन तो सीधी सी बात है कि भाई वो पंजीकृत व्यक्ति होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में कह सकते हैं कि उसकी योग्यता क्या होती है, वो ये टैक्स क्रेडिट लेने की अवेलेबिलिटी, उसकी जो एलिजिबिलिटी होती है वो क्या होती है। तो यहाँ पर सेक्शन 16 के अंतर्गत जो है वो कुछ ऐसी शर्तें, कंडीशंस और योग्यताएं बनाई गई हैं जिनके अधीन ही जो है वो इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल सकते हैं। तो इसमें योग्यता के बारे में तो सीधा ये कहा गया है कि भाई इनपुट टैक्स क्रेडिट किसको मिलेगी, किसी भी पंजीकृत व्यक्ति को मिलेगी। एक बात सीधी सी है कि एक पंजीकृत व्यक्ति है और वो व्यक्ति यदि कोई माल या सेवा
अपने व्यवसाय की अभिवृद्धि विस्तार फॉर द फर्दरेंस ऑफ हिज बिजनेस, अपने विस्तार या अभिवृद्धि के लिए, अपने व्यवसाय की अभिवृद्धि के लिए, या व्यवसाय में उपयोग करने के लिए हम कह सकते हैं कि यदि कोई माल या सेवा किसी आपूर्तिकर्ता से प्राप्त करता है, तो ऐसी स्थिति में जो उसने आपूर्तिकर्ता से उसने जो माल या सेवा ली है, उसके ऊपर जो उसने कर चुकाया है, उस कर चुकाए गए कर की जमा का चुकाए गए कर की जमा प्राप्त करने का अधिकारी होता है। तो कौन होगा? ऐसा व्यक्ति, पंजीकृत व्यक्ति होगा जिसने अपने व्यवसाय के विस्तार या अभिवृद्धि के लिए कोई माल या सेवा का उपयोग किया और उस माल या सेवा के ऊपर वो आपूर्तिकर्ता को कर का भुगतान कर चुका, तो वह ऐसे भुगतान किए गए कर की जमा प्राप्त करने का अधिकारी है। तो ये तो बात हुई कि उसकी योग्यता यानी एलिजिबिलिटी क्या है। अब आती है नेक्स्ट बात, इसकी कंडीशंस क्या होती हैं, शर्तें क्या होती हैं। तो ऐसा व्यक्ति, मान लीजिए, ये कहते हैं नेक्स्ट सेक्शन 16 कहती है कि भाई चाहे धारा 16 के अंतर्गत कुछ भी कहा गया हो, सेक्शन 16 के अंतर्गत चाहे कुछ भी कहा गया हो, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं हुआ। ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये कहता है कि ये है कि जब तक वह कुछ कंडीशंस को पूरा नहीं करता है, यानी धारा 16 में चाहे कुछ भी कर दिया गया हो, यदि वो जो किसी भी पंजीकृत व्यक्ति को माल और सेवाओं के अथवा दोनों की आपूर्ति के समय किसी भी इनपुट कर जमा किया का जो है वो पात्रता नहीं होगी या पात्र नहीं होगा जब तक कि वो ये कंडीशंस पूरी नहीं कर लेता है। तो अब बात तो ये आ गई कि वो पंजीकृत व्यक्ति होना चाहिए, उसने अपने व्यापार के फॉर द फर्दरेंस ऑफ हिज बिजनेस, अपने व्यापार के अभिवृद्धि विकास करने के लिए उसने यूज किया और उसने टैक्स भी जमा कराया। लेकिन ये कहता है कि ये सब कुछ हो गया, चाहे कुछ टाइम लिख दिया, लेकिन फिर भी जब तक ये निम्न शर्तें पूरी नहीं हो जाती हैं, तब तक उसको इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा इनपुट कर जमा का। तो वो कंडीशंस कौन सी हैं, वो फॉलो होनी बहुत मस्ट हैं। पहली तो इसकी कंडीशन ये होती है कि उसको जो है वो आपूर्तिकर्ता ने से जब माल उसने खरीदा, तो आपूर्तिकर्ता के द्वारा एक कोई भी कर भेजक यानी टैक्स इनवॉइस या डेबिट नोट या अन्य कोई भुगतान का प्रमाण पत्र या प्रमाण होना चाहिए, प्रूफ होना चाहिए, कोई वैलिड डॉक्यूमेंट होना चाहिए जो ये सिद्ध करे कि उसने कर जमा कर का भुगतान किया है। तो वो कर भेजक होगा या डेबिट नोट होगा या अन्य कोई भुगतान का प्रमाण होगा। पहली बात, भाई टैक्स अगर चुकाया होगा तभी तो इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने की बात आएगी, तो इसकी कर जमा कराने का कोई प्रमाण हो, प्रलेख हो, डॉक्यूमेंट हो। दूसरी इंपॉर्टेंट शर्त ये है कि उसे माल या सेवा दोनों प्राप्त हो गए हों, माल या सेवा दोनों प्राप्त हो गए हों। और तीसरी बात, माल या सेवा दोनों प्राप्त हो जाने चाहिए। तीसरी बात, धारा 41 के प्रावधानों के अंतर्गत जो है आपूर्तिकर्ता ने उस व्यक्ति से वसूल कर को सरकार के खजाने में जमा करा दिया हो। धारा 41 के प्रावधानों के अंतर्गत आपूर्तिकर्ता ने उस व्यक्ति से वसूल किया गया कर सरकार के खाते में जमा करा दिया हो और उसने धारा 39 के अंतर्गत विवरण दायर कर दी हो। उस पंजीकृत व्यक्ति ने धारा 39 के अंतर्गत विवरणी दाखिल करती हो यानी रिटर्न दाखिल करती हो। अब देखिए यहाँ पर ये जो चारों कंडीशंस दी गई हैं ये बड़ी इंटरेस्टिंग कंडीशंस हैं। देखिए होता क्या है कि आपूर्तिकर्ता ने टैक्स कलेक्ट किया, सरकार के खजाने में उसने जमा नहीं करवाया, आपूर्तिकर्ता तो क्या टैक्स काट लेगा लेकिन सरकार के खजाने में जमा नहीं कराया। जब तक वो सरकार के खजाने में जमा नहीं करे, अब आपूर्तिकर्ता ने उसको मिल गया क्या, माल भी उसने ले लिया, उसने आपूर्ति प्रापक ने उसने आपूर्तिकर्ता को टैक्स भी दे दिया क्योंकि जब खरीदेगा तो टैक्स देगा, लेकिन आपूर्तिकर्ता ने वो टैक्स सरकार के खजाने में जमा नहीं करवाया, तो जब तक वो जमा नहीं करा देगा तब तक
आईटीसी नहीं मिलेगी। अब देखिए आपूर्ति प्रापक को इस बात का भी दंड मिलता है कि वो टैक्स दे चुका फिर भी उसको नहीं मिलेगी जब तक कि वो जमा नहीं करा देगा। तो यहाँ पर ये कंडीशंस फॉलो हो जाने के बाद ही उसको टैक्स की जमा का जो है वो बेनिफिट मिलता है, यानी कोई वैलिड उसको टैक्स पेमेंट का वैलिड डॉक्यूमेंट उसके पास हो, जिसने आपूर्ति की उसने टैक्स को जमा करा दिया गया हो, और इसके अलावा जो है माल और सेवा उसको प्राप्त हो गए हों, और उस पंजीकृत व्यक्ति ने धारा 39 के अंतर्गत जो है वो रिटर्न को दाखिल कर दिया गया हो। तो ये चारों कंडीशन जब फॉलो हो जाती हैं उसके बाद ही जो है वो उसकी कर जमा का फ़ायदा उसको मिलता है। अब ये देखिए ये चारों कंडीशन के बारे में कुछ स्पष्टीकरण हैं, दो स्पष्टीकरण आपको ध्यान से देखना है। जैसे इसमें एक तो स्पष्टीकरण ये है कि यदि कोई व्यक्ति जो पंजीकृत व्यक्ति किसी आपूर्तिकर्ता से माल क्रय करता है और क्रय कर लिया उसको माल प्राप्त भी हो गया या सेवा प्राप्त भी होगी, लेकिन उसने 180 दिन तक कर कब 180 दिन है कर बीजक आपूर्तिकर्ता द्वारा कर बीजक जारी करने की तिथि के 180 दिन के भीतर यदि भुगतान नहीं किया आपूर्तिकर्ता को किसका आपूर्ति के मूल्य का और उसके ऊपर बनने वाले कर का यदि भुगतान नहीं किया है, तो ऐसी स्थिति में यदि आपूर्ति प्रापक ने कोई कर जमा का लाभ प्राप्त कर लिया है तो वो निरस्त हो जाएगा। वो निरस्त कैसे होगा, उसके द्वारा ली गई कर जमा को और उस पर बनने वाले ब्याज को उस आपूर्ति प्रापक के द्वारा स्वयं के द्वारा की गई आउटवर्ड सप्लाई पर बनने वाला आउटपुट टैक्स जो है उस वो आउटपुट टैक्स जो बनेगा उसमें वो जोड़ दिया जाएगा। क्योंकि वो पहले घटा चुका और वो हम मानते हैं कि उसने वो पेमेंट नहीं किया अभी तक, तो वो गलत घटाया उसने, इसलिए उसको वापस आउटपुट टैक्स में जोड़ दिया जाएगा। पहली बार आउटपुट टैक्स में जोड़ दिया जाएगा, और जब इसी में दूसरी बात ये ध्यान रखनी है कि लेकिन यदि मान लीजिए 6 महीने तक तो नहीं चुकाया, तो 6 महीने तो भुगतान नहीं किया तो उसका वापस जोड़ दिया जाएगा, लेकिन मान लीजिए बाद में जब भी वो भुगतान कर देता है आपूर्ति के मूल्य का और कर का, जब भी वो भुगतान कर देता है तो उसको क्या किया जाएगा, वो जमा पुनः प्राप्त हो जाएगी। तो ये 6 महीने की कंडीशन एक तरह से लगा दी कि 180 दिन तक उसने भुगतान आपूर्तिकर्ता को कर दिया जाना चाहिए आपूर्ति के मूल्य और टैक्स का, नहीं करता है तो उस पर बनने वाले जो पहले उसने अगर ITC ले ली है तो वो वापस आउटपुट टैक्स में जोड़ दी जाएगी, और बाद में जब भी वो भुगतान कर देता है तो वो वापस मिल जाएगी उसको ITC। तो एक तो बात ये, दूसरी बात ये होती है कि यदि मान लीजिए किसी आपूर्ति प्रापक को माल या सेवाएं लॉट्स में खंडों में मिलती हैं या किस्तों में प्राप्त होती हैं, तो जब तक के अंतिम लॉट या अंतिम किस्त इंस्टॉलमेंट उसको प्राप्त नहीं हो जाती है तब तक वो ITC का लाभ नहीं ले सकता, यानी कर जमा वो प्राप्त नहीं कर सकता। ये कंडीशंस ऊपर वाली इन सब कंडीशंस के कॉन्करेंट ही आपको देखनी है, उनके साथ ही इनको देखना है कि भाई ये बात जो है वो एक इम्पोर्टेंट हो जाती है कि 180 दिन तक भुगतान नहीं करने पर नहीं मिलेगी, और इसके अलावा जो जब तक कि अंतिम किस्त का प्राप्त नहीं हो जाती, अगर किस्तों में होता है तब तक उसको ITC का लाभ नहीं मिलता है। अब इसके अंतर्गत एक बात और कही गई है इसमें कंडीशंस और एलिजिबिलिटी के अंतर्गत है कि यदि मान लीजिए जो है वो कोई पंजीकृत व्यक्ति कोई पूंजीगत सामान की प्राप्ति करता है, तो कैपिटल गुड्स जैसे प्लांट मशीनरी प्राप्त करता है, तो वो पूंजीगत सामान प्राप्त करता है तो प्राप्त करने की लागत भी होती है, और चूंकि उसके ऊपर वो टैक्स भी चुकाता है, आपूर्ति लेने वाला व्यक्ति आपूर्तिकर्ता को टैक्स जमा कराएगा जब कोई प्लांट या मशीनरी खरीदेगा। तो यहाँ पर दो बातें होंगी, एक तो उसकी कॉस्ट वो हुई और इसके ऊपर टैक्स बना। अब मान लीजिए आपूर्ति प्राप्त करने वाला व्यक्ति जो उसने टैक्स आपूर्तिकर्ता को टैक्स चुकाया है, उस टैक्स सहित यानी कर सहित उसकी जो लागत बनती है उस कर सहित लागत के ऊपर वो डेप्रिसिएशन का आयोजन करता है या प्रावधान करता है और इसका दावा करता है इस तरीके की डेप्रिसिएशन का,
तो एक तरह से अगर वो उस लागत में कर को भी जोड़ करके कर सहित उसकी जो लागत आती है उसके ऊपर जब वो डेप्रिसिएशन का प्रावधान करेगा, इसका मतलब कर की राशि के ऊपर भी डेप्रिसिएशन का प्रावधान कर लिया। तो अगर उसने ऐसा दावा कर दिया है आयकर अधिनियम 1961 के प्रावधानों के अंतर्गत, तो फिर उसको क्या है ऐसी स्थिति में उसको ITC प्राप्त नहीं होगी, इनपुट पर जमा का लाभ नहीं मिलेगा। कि अगर उसने कर के ऊपर भी उसने डेप्रिसिएशन का आयोजन कर दिया तो फिर उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ नहीं मिलेगा। और इसके अलावा एक बात इसमें और है, वो है टाइम लिमिट के, यानी द टाइम लिमिट फॉर अवेलिंग ITC। ITC को लेने की टाइम लिमिट क्या है, भी कब कब तक भी ले सकता है कि कभी भी ले सकता है क्या? तो इसके बारे में ये कहा गया है कि जब कोई भी पंजीकृत व्यक्ति जो होता है वो किसी भी कर विजय या डेबिट नोट के संबंध में जब वो कर जमा क्लेम करता है या कर जमा प्राप्त करता है, तो ऐसी स्थिति में निम्नांकित में से जो भी तिथि पहले हो उसके बाद प्राप्त नहीं कर सकेगा कर जमा। यानी यहाँ पर क्या है कि दो वो तिथियां हैं नीचे, दोनों तिथियों में से जो पहले तिथि आएगी वहां तक ही वो क्लेम कर सकता है, उस तिथि के बाद में वो कर जमा का लाभ प्राप्त नहीं कर सकेगा। तो इसमें से वो जो तिथियां हैं वो दो तिथियां किस तरीके से हैं, वो तिथियां आप ध्यान से देखिए। वो तिथि ये है कि जब कर बीजक से संबंधित कोई वित्तीय वर्ष जब समाप्त हो जाता है, कर बीजक से संबंधित वित्तीय वर्ष समाप्त होने के बाद जो अगला वर्ष आता है उस वर्ष का सितंबर माह आएगा, उस वर्ष के सितंबर माह की धारा 39 के अंतर्गत जो विवरणी दाखिल करने की ड्यू डेट होगी उस ड्यू डेट को हम एक तारीख ले लेंगे। यानी किसी भी वित्तीय जिस भी वित्तीय वर्ष से संबंधित कर बीजक या डेबिट नोट है उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद अगले वर्ष में के सितंबर माह की विवरणी दाखिल करने की नियत तिथि यानी ड्यू डेट एक तो वो हो गई। दूसरी डेट जो है वो उस रजिस्टर्ड व्यक्ति के द्वारा जो वार्षिक विवरणी दाखिल करने की तिथि है, संबंधित वार्षिक विवरणी दाखिल करने की तिथि है। इन दोनों तिथियों में से जो तिथि पहले आएगी उसके बाद में वो कर जमा का लाभ प्राप्त नहीं कर सकता। जैसे मान लीजिए किसी ने कर बीजक जारी किया 1 मार्च 2020 को, 1 मार्च 2020 को कर बीजक जारी किया, तो अगला जो वित्तीय वर्ष आएगा वो 2021 आएगा। तो ये जो कर जमा है वो कौन से वर्ष की थी, 19-20 से थी, क्योंकि कर बीजक उसने 19-20 में जारी किया। अब 19-20 में कर बीजक जारी किया तो वर्ष 2021 का जो सितंबर महीना आएगा उस सितंबर महीने के संबंध में जो ड्यू डेट होगी विवरणी दाखिल करने की, धारा 39 के अंतर्गत विवरणी दाखिल करने की जो ड्यू डेट होगी सितंबर माह वाले की, एक तो वो तिथि मान लीजिए वो तिथि आती है वो 20 अक्टूबर आती है, मान लीजिए सपोज कर लीजिए 20 अक्टूबर 2020 आती है, तो एक तिथि तो वो होगी। और अब मान लीजिए वार्षिक विवरणी जो है वो दाखिल करने की तिथि जो है वो मान लीजिए जो है वो 31 सितंबर ही होती हो, 30 सितंबर ही हो, तो अब 30 सितंबर और 20 अक्टूबर जो है इनमें से पहले तिथि 30 सितंबर होती है, तो 30 सितंबर जो होगी इसके बाद में वो ITC का लाभ नहीं ले सकेगा जो पहले जो तिथि हो उसमें से। तो यहाँ पर एक तो वार्षिक विवरणी दाखिल करने की तिथि हुई और एक 30 सितंबर वाली जो जो है रिटर्न जो है उसको दाखिल करने की तिथि हुई। तो इनमें से जो पहले तिथि होती है
उस स्थिति के बाद में वो ITC का लाभ नहीं ले सकता। तो ये एक तरह से जो है वो टाइम लिमिट है फॉर अवेलिंग द ITC। ऐसा नहीं है कि वो एक साल की किसी साल विशेष की ITC है और उसको 2 साल 3 साल 4 साल तक कभी भी ले सकता है, ऐसा नहीं। इसमें लिमिट मान दी कि आपको इतने समय के भीतर इसको लेना ज़रूरी हो जाएगा। तो ये चार बातें जो हैं वो आपके सेक्शन 16 में दी गई हैं कि किस तरीके से उसकी कंडीशंस है, उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, और इसके अलावा कुछ और बातें भी इसके बारे में जो है वो आपको बताई गई हैं कि किस कंडीशन में उसको ये जो है वो पूरा करने पर उसको ITC का लाभ मिलेगा। तो आज के इस व्याख्यान में अपन इतना ही देखेंगे। अगले जो व्याख्यान है उसके अंदर अपन जो है वो ITC की सेक्शन 17, सेक्शन 18 इनके बारे में हम आगे अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।